जम्मू कश्मीर मुद्दे पर लगातार नाकाम पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में एक नई चाल चली है। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की डेमोक्रेट मेंबर इल्हान उमर को पाकिस्तान आमंत्रित किया और उन्हें पाक अधिकृत कश्मीर ले गई। भारत ने इल्हान उमर के इस कदम की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। I think Representative Ilhan Omar from Amazon, we have noted that that she has visited a part of the Indian Union territory of Jammu and Kashmir that is currently illegally occupied by Pakistan. Let me just say that if such a politician wishes to practice a narrow-minded and politics at home, that's her business, that may be her business. But violating our territorial integrity and sovereignty in its pursuit makes this ours. पाकिस्तान पहुंचने के बाद इल्हान उमर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान वहां होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इल्हान उमर ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की और उस बातचीत में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने भारत पर मुसलमानों के नरसंहार और उनके मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति अलवी ने कहा कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत मुसलमानों के नरसंहार और उनके मानवाधिकार के उल्लंघन में शामिल है। राष्ट्रपति अलवी ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान के बलिदान और इलाके में शांति को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की भूमिका की सराहना भी की। इल्हान उमर इसके पहले मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर भारत ही नहीं अमेरिका समेत कई देशों की आलोचना कर चुकी हैं। वे उस समय चर्चा में आई थी जब उन्होंने मुसलमानों और अश्वेतों से भेदभाव के मुद्दे पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना की थी। ट्रंप ने उन पर पलटवार करते हुए उन्हें अपने मूल देश यानी सोमालिया लौट जाने को कहा था। बता दें कि मिनोसेटा से चुनी गई डेमोक्रेट मेंबर इल्हान उमर का जन्म सोमालिया में हुआ था। वे नाइजीरिया के शरणार्थी कैंप में पली बढ़ी और वहाँ से अमेरिका पहुँची। वे मानवाधिकार के मुद्दे पर काफ़ी मुखर हैं और भारत ही नहीं अमेरिका और यूरोप के कई देशों की कई बार आलोचना कर चुकी हैं।